गुड मॉर्निंग सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में चैप्टर फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कोष प्रवाहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। किस प्रकार से हम रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल पर्सन कर सकेंगे। तो इसी क्रम में हम आज अपन अध्ययन करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने प्रकार के वर्गीकरण माने गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उसके महत्व हैं और विभिन्न प्रकार के विवरणों से क्या अंतर है, जिसमें हमने कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम इसी क्रम में आज हम कोष प्रवाह विवरण के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब तैयार करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अनुसार इसको बनाना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसमें अप्लीकेबल होता है। तो इस प्रकार से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में थोड़ा सा बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसमें परिचालन क्रिया या परिचालन संबंधी क्रिया, विनियोग संबंधी और वित्तीयन संबंधी क्रियाओं को शामिल किया गया है। यही इसके क्लासिफिकेशन के रूप में मानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो विवरण को, जिसमें पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ को हम मानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परिचालन संबंधी क्रियाएं भी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम परिचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह को इस बात के मुख्य दिशा निर्देशक हैं कि उपक्रम ने किस सीमा तक व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए, लाभांश चुकाने के लिए और ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान करने के लिए या बिना भारी साधनों से वित्त प्रदान किए जाने के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए जाते हैं। भावी परिचालन रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान हेतु विगत अवधि के परिचालन रोकड़ प्रवाह की विशिष्ट मदों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें हम बात करें परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह से या रोकड़ प्रवाहों की राशि मूल रूप से उपक्रम की आगम उत्पन्न करने वाली मुख्य क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जिसमें परिचालन रोकड़ प्रवाह सामान्यतः उन घटनाओं और व्यवहारों का परिणाम है जो लाभ या हानि का निर्धारण में काम आती है। परिचालन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाहों के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं, जिसमें माल का विक्रय या सेवा प्रदान करने वाली रोकड़ प्रवाह या अधिकार शुल्क, फीस कमीशन,
माल व सेवाओं की पूर्तिकर्ताओं के लिए नकद भुगतान की राशि और कर्मचारियों या उसकी ओर से किया गया भुगतान की राशि, बीमा, आयकर का भुगतान और विभिन्न प्रकार के अनुबंध से प्राप्त राशि को इसमें शामिल किया गया है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत ये इसके अंतर्गत हम क्रियान्वित करते हैं। दूसरी हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग विनियोजन संबंधी क्रियाओं में विनियोजन संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों का स्पष्टीकरण पृथक रूप से करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की आय व रोकड़ प्रवाहों को उत्पन्न करने के लिए साधनों के लिए किए गए या व्यय की सीमा रोकड़ प्रवाह का प्रतिनिधित्व रखते हैं। विनियोजन से संबंधित क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों को हम स्थायी संपत्तियां या अदृश्य संपत्तियां सहित प्राप्त करने पर नकद भुगतान, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि जिसमें अमूर्त संपत्तियां सम्मिलित हैं, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि अमूर्त संपत्तियों सहित अंशों या ऋण पत्रों से संबंधित, अन्य अंश पत्र या ऋण पत्रों से संबंधित गतिविधियां या भविष्य से अनुबंधों का अग्रिम अनुबंधों से संबंधित विनियोजन राशि को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत मानते हैं। अगली है अपनी वित्तीय फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली रोकड़ प्रवाहों को पृथक रूप से स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी उपक्रम या पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए रोकड़ प्रवाहों का पूर्वानुमान सहायक होता है। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जिसमें अंशों एवं इसी प्रकार के अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त नकद या फिर ऋण पत्र, बॉन्ड, नोट या ऋण पत्र के अन्य दीर्घकालीन ऋण पत्रों से उधार गई ली गई राशियों से नकद में पुनर्भुगतान या ब्याज, लाभांश भुगतान या बैंक अधिविकृत या नकद साख में परिवर्तन को इसमें शामिल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी कई बार इसमें प्रश्न पूछते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसका क्या प्रारूप है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए हम दो प्रकार के मेथड्स काम में लेते हैं, जिसमें एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो अधिकतर हम परीक्षा में रोकड़ प्रवाह विवरण जब हम ज्ञात करेंगे तो दो मेथड्स के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। आपको एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड्स को प्रयोग में लेते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो अब हम बात करें डायरेक्ट मेथड्स की। तो डायरेक्ट मेथड में तीन प्रकार की एक्टिविटी सेम हैं, परंतु इसमें जो एडजस्टमेंट हैं उसमें थोड़ी सी अलग तरह का एडजस्टमेंट होता है। तो पहले तो हम डायरेक्ट मेथड्स के आधार पर इसका क्या प्रारूप है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स के आधार पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसका प्रारूप ये है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी है, इसमें हम इस प्रकार से प्रारूप को बनाते हैं, जिसमें तीन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हुए प्रारूप का क्रियान्वयन करते हैं, जिसमें पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से संबंधित यहाँ पर चित्रण कर देते हैं। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। कस्टमर से अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो यहाँ लिखेंगे। अगला, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयर, कैश पेड टू कस्टमर एंड एम्प्लॉयर, तो ये यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की एंट्री हम यहाँ पर
कर देंगे, और तीसरा है कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स का पेड का डाटे का एनालिसिस हम यहां पर लिख देंगे। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हम यहां पर लिखेंगे, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स उसको हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट मेथड्स के आधार पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर। तो यह अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्रियान्वयन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स की, तो इसमें कैश रेवेन्यू और ऑपरेशन या कैश सेल्स को लिख के इसमें हम ऐड कर देंगे डेटर्स और बीआरस ओपनिंग बीआर को, और क्रेडिटर्स को इसमें लेस करने पर हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। अब लेनदारों या कर्मचारियों का भुगतान की हम बात करें तो वो किस प्रकार निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट घटा के इसमें ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इन्वेंट्री एट द प्रीपेड एक्सपेंसिस, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बीपी ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एट बिगनिंग लेस करेंगे इसमें, इन्वेंट्रीज इट बिगनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगनिंग, ट्रेड पेबल्स जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स को हम इसमें घटा देंगे, ये हम अपने सामने आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। टैक्स की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, टैक्स की गणना हम इस प्रकार से करेंगे जिसमें इनकम टैक्स चार्ज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को लेके इसमें हम इनकम टैक्स पेबल एट बिगनिंग को जोड़ देंगे और इनकम टैक्स पेबल एंडिंग को हम घटा देंगे, इसके आधार पे हम ये ज्ञात करेंगे। दूसरी एक्टिविटीज़ हमारे सामने अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, जो कि है हमारी इनको जोड़ते हुए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय से संबंधित जो रोकड़ में आवागमन हुआ उसको हम लिखते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिविडेंड रिसीट या इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त होता है तो उसे हम इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। जिसमें एक दो हम देखें उदाहरण, जिसमें सेल ऑफ फिक्स असेट्स टेंजिबल असेट्स, जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट्स जिसमें टेंजिबल असेट्स को हम इसमें शामिल कर देंगे। दूसरा है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स को इसमें कैलकुलेट करेंगे। दूसरा सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को यहां पर लिख देंगे, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड इसका हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। तीसरी एक्टिविटीज़ हमारे सामने आएगी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इसके आधार पे आप न्यूमेरिकल पर्सन आप करेंगे, जिसमें आपको डेली एक पीडीएफ के रूप में हम आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन और उसका सॉल्व पेपर डेली व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको डिलीवर करेंगे। तीसरी एक्टिविटीज़ है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखें, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ उसकी कैलकुलेशन करके हम लिखेंगे कितने शेयर निर्गमित किए उसके आधार पे। दूसरी हम बात करें इश्यू ऑफ डिबेंचर
इशू ऑफ डिबेंचर है, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंक्रीज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम की कैलकुलेट इसमें करेंगे, इंक्रीज इन लोन, रीपेबल लोन, रिडम्पशन ऑफ परफेंस शेयर और भी विभिन्न प्रकार, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पे बैक इक्विटी शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश कैश क्रेडिट, डिक्रीज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को भी इसमें कैलकुलेट करेंगे, एडिशनल कैपिटल जैसे ड्रॉइंग, डिविडेंड पेड आदि की हम इसी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अंत में हम नेट फ्लो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करके इसमें हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैश एंड इक्विलेंट्स की कैलकुलेट करके हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश की, इसमें अंत में ऐड ओपनिंग कैश, इसके आधार पे हम उत्तर की जांच भी करेंगे कि क्लोजिंग कैश बैलेंस अपना निकल के आ जाएगा। इसे हम उत्तर की जांच के आधार पे भी कर सकते हैं अपने कैश के बैलेंस को लेते हुए। तो इस प्रकार से हमने आज इस मेथड्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम गणना करेंगे, और इसी क्रम में हम अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम लेंगे तो इसमें हम नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पहले जोड़ लेंगे। इसमें हम जैसे डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ सेल, फिक्स असेट्स, गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इश्यू ऑफ राइट ऑफ शेयर या इक्विटी, डिविडेंड ऑन इशू या इंक्रीज इंटरेस्ट पेड, इनको हम जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे। अपन नन कैश, नन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके आधार पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। इसे से हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट असेट्स, इंक्रीज इन करेंट असेट्स को लेस करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ को, लेस करेंगे डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ को। ये अपने इनडायरेक्ट मेथड्स के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे, इससे हमारा कैश जनरेट हो जाएगा ऑपरेटिंग का और इसमें इनकम टैक्स को घटा देंगे। इसके आधार पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐड लेस करके नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट या नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बाकी जो दोनों हैं वो सेम रहेंगी जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके समस्याओं को लेके। तो हम अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।